नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पे। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंच कॉम्पैक्ट एमपीवी रेनॉल्ट ट्राइबा के बारे में। सो ये कार कम्पीट करती है मारुति सुजुकी अर्टिगा एंड काफ़ी अलग और कॉम्पैक्ट एमपीवीज के साथ। एंड आज हम खड़े हैं मदन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड में। सो अगर आपको किसी भी अपनी रेनॉल्ट कार की प्राइसेस या टेस्ट ड्राइव की ज़रूरत होगी तो मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एड्रेस नीचे मेंशन कर दूंगा, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सो अगर बात करें रेनॉल्ट ट्राइबा की तो चार वेरिएंट्स में आपको अवेलेबल किए जा सकते हैं रेनॉल्ट ट्राइबा, RXC, RXL, RXT एंड RXZ। सो आज जो वेरिएंट हमारे साथ है वो RXZ पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट है। ऑटोमेटिक में आपको CVT का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो आज हम कार की एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करेंगे, साथ ही आपको क्या स्पेसिफिकेशन है, फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं कार पे, साथ ही आपके प्राइस रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो कार के साथ कुछ इस तरह की आपको की प्रोवाइड की जाती है। सेंटर में आपको रेनॉल्ट की बैजिंग देखने को मिलती है, कवर्स लगे हुए सो आप नहीं आपको विजिबल नहीं हो पा रही है। एंड रफ ब्लैक टेक्सचर आपको ओवरऑल प्रोवाइड कर दिया जाता है। लॉक अनलॉक बटन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स के बटन देखने को मिल जाते हैं, साथ ही ट्रंक ओपनिंग का बटन आपको देखने को मिलता है। सो दिस वेरिएंट इज RXZ मैनुअल वेरिएंट, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। व्हाइट कलर पर कार आपको देखने को मिल जाती है, साथ ही अगर आप फ्रंट लुक देखें तो कुछ इस तरह के आपको एक ओवरऑल लुक प्रोवाइड करती है रेनॉल्ट का टायर ट्राइबर। एंड साथ ही अगर आप एक हेडलैम्प की तरफ ध्यान दें तो आपको एक प्रोजेक्टर लो बीम सेटअप देखने को मिलता है, हाई बीम्स की प्लेसिंग आपको ऊपर की तरफ होते हुए दिख जाती है, आपको हैलोजन हाई बीम लैम्प देखने को मिलते हैं एंड नीचे तरफ आपको इंडिकेटर की प्लेसिंग होते हुए दिख जाएगी। साथ ही नीचे आपको कुछ इस तरह की प्रोफाइल देखने को मिलने वाली है, कुछ इस तरह के आपको कॉर्निंग लैम्प जो रहते हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। फ्रंट प्रोफाइल से अगर आप चेकआउट करें तो आपको एक सिग्नेचर रेनॉल्ट की जो बैजिंग रहती है सेंटर पर आपको देखने को मिल जाती है, काफ़ी व्यूज से आपको देखने को मिलती है। ग्रिल डिज़ाइन की बात करें तो क्रोम में ग्रिल डिज़ाइन देखने को मिलने वाली है। नीचे की तरफ आपको स्किड प्लेट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, सिल्वर एल्युमिनियम लुक में आपको देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस तरह के आपको एक ओवरऑल प्रोफाइल देखने को मिल जाती है रेनॉल्ट ट्राइबा कॉम्पैक्ट एमपीवी में। साथ ही ये कुछ एक पूरी कार की प्रोफाइल है अगर आप चेकआउट करें तो। टायर्स की बात करें तो कुछ इस तरह के आपको सिल्वर अलॉयज देखने को मिलते हैं, 15 इंचेस की इसकी व्हील साइज़ है। एंड टायर साइज़ की बात करें तो 185x65 सेक्शन टायर्स देखने को मिलते हैं। फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, रियर ड्रम ब्रेक्स आपको देखने को मिल जाता है। व्हील आर्चेस आपको कार पे प्रोवाइड कर दी जाती है, साथ ही डोर क्लैडिंग्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो 182 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस आपको देखने को मिलता है, साथ ही व्हील बेस आपको 2636 mm की व्हील बेस प्रोवाइड कर दी जाती है। साथ ही जितने भी आपको डायमेंशन होंगे कार पे वो अभी आपके स्क्रीन पे ब्लिंक कर रहे होंगे, आप उन्हें एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बॉडी कलर ORVMs आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, इंडिकेटर टर्न इंडिकेटर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, बॉडी कलर डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं। 40 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। ब्लैक एंड पिलर्स आपको देखने को मिलते हैं कार पे। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ब्लैक में, रूफ माउंटेड एंटीनाज आपको देखने को मिल जाएंगे, वाइट में आपको रूफ मिल जाती है, साथ ही एक कर्व डिज़ाइन आपको ओवरऑल रूफ में देखने को मिलेगा अगर आप देख पा रहे होंगे तो। पीछे की तरफ आपको एक हैलोजन टेल लैंप यूनिट देखने को मिल जाती है, काफ़ी डिसेंट सी एक लुक ओवरऑल आपको प्रोवाइड करने वाली है कॉम्पैक्ट एमपीवी रेनॉल्ट ट्राइबा। साथ ही आपको रेनॉल्ट की बैजिंग देखने को मिल जाएगी और राइट साइड पे आपको एनर्जी की बैजिंग देखने को मिल जाती है। एक सेंटर पे आपको ट्राइबर की एक बड़ी सी ब्रांडिंग होते हुए दिख जाएगी रेनॉल्ट की लोगों के जस्ट नीचे। साथ ही रिवर्स कैमरा की प्लेसिंग की बात करें तो आपको इस तरफ रिवर्स कैमरा की प्लेसिंग दी गई है। पीछे की तरफ आपको 3 पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं विदाउट एडाप्टिव गाइडलाइंस। रियर व्यू वाइपर्स देखने को मिलते हैं, रियर डिफॉगर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, साथ ही ऊपर की तरफ आपको स्टॉप लैंप्स की प्लेसिंग देखने को मिल जाती है। सो ये कुछ एक्सटीरियर की प्रोफाइल है। सो आपको डुअल टोन इंटीरियर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, डोर पैनल पे भी आपको डुअल टोन देखने यूज़ होता हुआ दिख जाएगा।
बेज एंड ब्लैक की जो कॉन्ट्रास्ट रहती है वो आपको देखने को मिल रही होगी अपनी स्क्रीन पे। साथ ही डोर हैंडल्स आपको सिल्वर में देखने को मिलते हैं। आपके पावर विंडो कंट्रोल्स, ORVM एडजस्टर्स, वन टच ऑटो अप डाउन ड्राइवर विंडोज, चाइल्ड लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है। पियानो ब्लैक फिनिश यूज़ होता है आपको दिखेगा। कॉइन होल्डर स्टोरेज, स्पीकर्स की प्लेसिंग डोर पैनल्स पे की गई है। साथ ही आपको एक होल्डर स्पेस भी देखने को मिल जाएगा। इंटीरियर्स की बात करते हैं, इस तरह के आपको डुअल टोन इंटीरियर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ब्लैक एंड बेज में आपको इंटीरियर्स देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी एयरी फीलिंग आपको ओवरऑल प्रोवाइड करने वाली है इसके इंटीरियर्स। कुछ इस तरह की आपको सीट अपॉजिटी देखने को मिलने वाली है। अगेन आपको ड्यूअल टोन में सीट अपॉजिटी देखने को मिलेगी। हाइट एडजस्टेबल सीट्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। कार की एक डीमेरिट आप कह सकते हैं, सिर्फ आपको बैक सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर्स, कुछ इस तरह के आपको डुअल टोन इंटीरियर्स देखने को मिलते हैं कार पे। काफ़ी एयरी फीलिंग आपको ओवरऑल कार प्रोवाइड करने वाली है। स्टेयरिंग व्हील की अगर बात करें तो आपको एक कुछ इस तरह की स्टेयरिंग व्हील प्रोवाइड की जाती है। काफ़ी एक यूनिक आपको डी कट जो स्टेयरिंग व्हील रहता है फ्लैट बॉटम, वही आपको देखने को मिलेगा। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको प्रोवाइड नहीं किए जाते। सेंटर पर आपको पियानो ब्लैक एंड क्रोम में आपको रेनॉल्ट की बैजिंग प्रोवाइड की जाती है। सिल्वर एल्युमिनियम फिनिश प्रोवाइड कर दी जाती है। साथ ही एडजस्टर्स की बात करें तो सिर्फ हाइट एडजस्टेबल आपको देखने को मिलती है। स्टेयरिंग व्हील टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील देखने को नहीं मिलती है। साथ ही कुछ इस तरह की आपको MID स्क्रीन देखने को मिल जाती है। डिजिटल MID स्क्रीन आपको सेंटर में प्रोवाइड कर दी जाती है। साथ ही क्लस्टर भी आपको डिजिटल में ही देखने को मिलेगा। RPM मीटर ऑन द लेफ्ट एवरेज आपको अपनी फ्यूल कैपेसिटी राइट में शो करती है। साथ ही फ्यूल टेम्परेचर आपका इंजन टेम्परेचर अपनी चेक कर सकते हैं डिजिटली। सेंटर पे आपको स्पीडोमीटर MID की अपनी स्क्रीन देखने को मिलती है। वार्निंग्स आपको राइट साइड पे शो करते हैं। लो फ्यूल की वार्निंग आपको शो कर रही है फिलहाल कार पे। लो बैटरी की भी सिग्नल आपको अपनी स्क्रीन MID स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। रेनॉल्ट के ऊपर आपको बैजिंग देखने को मिलेगी। एक N8 इंजन की आपको अगेन एक इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है विद वॉइस कमांड ऑप्शन। ये कुछ इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम की प्रोफाइल है। ड्राइविंग की को अगेन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है कार पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। साथ ही अगर मीडिया की बात करें तो आपको ऑक्स का कनेक्टिविटी देखने को मिलता है। एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कार प्ले आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अपने आप फोन को वाया ब्लूटूथ या ऑक्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे तरफ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ACs प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। डिजिटल स्क्रीन आपको देखने को नहीं मिलेगी। नीचे तरफ आपको की रखने का एक स्पेस या फ़ोन रखने का स्पेस आप देख सकते हैं। नीचे तरफ और एक आपको स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाती है। USB स्टोरेज नीचे तरफ आपको और एक स्पेस प्रोवाइड कर दी जाती है। अपने फ़ोन स्टोरेज के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। USB पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही ऑक्स का भी आपको पोर्ट देखने को मिल जाएगा। 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसकी प्ले गियर की प्लेसिंग यहाँ पे की गई है। हैंड ब्रेक के लिए आपको इसे अप करके फर्स्ट गियर की तरफ लगाना पड़ेगा। ये कुछ इसकी रिवर्स कैमरा की क्वालिटी है, एक बार आप चेकआउट कर ले। हैंड ब्रेक इस तरह के आपको देखने को मिल जाते हैं क्रोम टिप के साथ। सेंटर पर आपको आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो अगेन आपको डीप स्टोरेज ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। सेम डिज़ाइन जो आपको बाकी रनों के कार्स में देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ आपको अगेन एक और यूटिलिटी स्टोरेज स्पेस देखने को मिलता है। काफ़ी डिसेंट स्टोरेज ऊपर की तरफ भी आपको देखने को मिल जाएगी। सिल्वर फिनिश जो रहती है एक वो आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी प्रीमियम टच आपको एक ओवरऑल प्रोवाइड कर जाएगी ये। ऊपर की तरफ मैनुअल ARVMs आपको देखने को मिलने वाले हैं डे एंड नाइट। साथ ही हैलोजन केबल लैंप्स, वारंटी मिरर्स, पैसेंजर साइज आपको देखने को मिलते हैं। ड्राइवर साइज बात करें तो सच आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। माइक की प्लेसिंग आप देख सकते हैं। साथ ही आपको डोर हैंडल्स की प्लेसिंग एक बार आप चेकआउट कर ले। ये कुछ फ्रंट से प्रोफाइल है कार की। अब
अब चलते हैं रियर सीट्स की तरफ एंड सेंटर रो सीट्स के स्पेसिंग एंड कंफर्ट के बारे आपसे बात करते हैं। सेंटर रो सीट्स की अगर बात करें तो कुछ इस तरह के आपको सबसे पहले डोर पैनल की डिज़ाइन देखने को मिलने वाली है। अगेन डुअल टोन में आपको देखने को मिल जाते हैं डोर पैनल्स। डोर पैनल्स में आपको स्पीकर्स की प्लेसिंग देखने को मिलती है, साथ ही होल्डर स्टोरेज आपको एक देखने को मिलेगा पीछे की तरफ। पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलता है, साथ ही यहाँ सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है, फैब्रिक यूज़ आपको होता हुआ दिख जाएगा। अगर आप प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें तो डिसेंट क्वालिटी आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को यूज़ होते हुए मिल जाएगा। अंदर की प्रोफाइल अगर चेक करें तो सेम आपको ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड बेज का जो इंटीरियर वो फॉलोअप होता हुआ दिख जाएगा। साथ ही ड्राइवर साइड सीट्स पूरी तरीके से पीछे हो रखे हैं एंड सेंटर ऑफ सीट्स भी पूरे तरीके से पीछे हैं। अब स्पेसिंग एंड कम्फर्ट की अगर बात करें तो मैं बता दूं, मेरी हाइट 5'8" है एंड अपने मेरी लेग स्पेस देखेंगे इस तरह की, मुझे लेग स्पेस देखने को मिलने वाली है। स्ट्रेच करने की लेग्स को ज़्यादा स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट इफ़ आपके ड्राइवर सीट्स आगे मीडियम पे हो रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी एक डिसेंट स्पेस देखने को मिल जाएंगे। ऐसे भी कोई पूरी तरीके से पीछे ड्राइवर सीट्स करके नहीं चलाता है तो उस हिसाब से आप जज करें। एंड सेंटर हम की बात करें तो आपको एक मिनिमल सेंटर हम देखने को मिल जाता है, 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। अगर एक प्रोफाइल लेंगे रियर से फ्रंट की तो कुछ इस तरह का प्रोफाइल देखने को मिलने वाली है। आपको यहाँ अपने फैन स्पीड कंट्रोलर्स देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ आपको केबिन लैंप्स देखने को मिलते हैं, हैलोजन में केबिन लैंप्स प्रोवाइड किए गए हैं। कार की बैटरी अभी डिस्चार्ज हो रखी है तो इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ ये। एंड पीछे की तरफ कुछ इस तरह के आपको प्रोफाइल ओवरऑल देखने को मिल जाएगी। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सेंटर में आपको कुछ भी आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। 60-40 सेंटर रो सीट्स आपको स्प्लिट होते हुए दिख जाएंगे, आप अकॉर्डिंगली अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसे डाउन या अप रख सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट रो सीट्स पे, लास्ट रो सीट्स की स्पेसिंग एंड कंफर्ट के बारे आपसे बात करते हैं। सो अगर लास्ट रो सीट्स के बारे बात करें तो सबसे पहले सेंटर रो के सिंगल सीट्स आप फोल्ड कर सकते हैं पीछे की तरफ एसेस करने के लिए एंड ये कुछ आपको पीछे की प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। आप सिंपली यहाँ से अंदर की तरफ जा सकते हैं। एंड अगर स्पेस की बारे बात करूँ तो अगर आपके 60 प्रोफाइल वाले जो रेशियो वाले सीट्स रहते हैं वो अगर पूरे पीछे तरीके से हो रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी एक स्पेस प्रोवाइड नहीं की जा पाएगी। छोटे बच्चे आपको बैठ सकते हैं इजीली, बट एडल्ट्स आप मुश्किल से भी नहीं बैठ पाएंगे। तो थोड़े आगे हो सकते हैं अगर ये, तब आप इजीली इसमें बैठ सकते हैं, बट अगेन फिर आपको कंफर्ट उतनी नहीं मिलेगी। ना ही सेंटर वाले को कंफर्ट मिलेगी, ना ही आपको रियर वाले को कंफर्ट मिलेगी। सो इट्स बेटर कि बच्चे ही पीछे बैठे। कुछ इस तरह की क्वार्टर क्लास आपको प्रोवाइड की जाती है पीछे की तरफ। यहाँ पर आपको कॉइन होल्डर स्टोरेज देखने को मिल जाता है, यानी आपको ब्लैक केक यूज़ होते हुए दिख जाएगी। अगेन सेम इस साइड अगर आप बात करें तो कुछ इस तरह की क्वार्टर पैनल की आपको ग्लास देखने को मिलने वाली है। 12 वोल्ट पावर आउटपुट देखने को मिलता है, कॉइन होल्डर स्टोरेज। एंड अगर सीट्स की बात करें तो कुछ अगर ये सिंगल सीट्स 40 स्प्लिट्स जो आपको देखने को मिलते हैं वो मीडियम में हो रखे हैं एंड अकॉर्डिंगली आप मेरी नी रूम देख सकते हैं। बहुत थोड़ी सी स्पेस आपको देखने को मिलती है, लेग स्ट्रेच करने की बिल्कुल भी आपको स्पेस नहीं मिलेगी। लेग स्पेस ना के बराबर है, मेरी हाइट 5'8" है एंड जो मेरे से लंबे बंदे होंगे उन्हें तो आप समझ ले बिल्कुल भी आपको स्पेस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। हेडरूम आपको अच्छी खासी एक देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ आपको एसी वेंट्स प्रोफाइल के दिए गए हैं, सेंटर पर आपको एसी वेंट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। पीछे की तरफ कुछ आपको 2 एसी वेंट्स की डिज़ाइन देखने को मिलती है, साथ ही आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं, डोर हैंडल्स दोनों ही तरफ। एंड ये कुछ मेरी प्रोफाइल है। पीछे की तरफ भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं सीट्स पे, साथ ही ये कुछ लास्ट रो सीट्स की प्रोफाइल है रेनॉल्ट ट्रेवर की। एंड अगर आप एक लास्ट रो सीट से पूरी फ्रंट की एक व्यू लेंगे तो कुछ इस तरह की आपकी व्यू देखने को मिलने वाली है। सो अगर बूट स्टोरेज की बात करें सो आपको रिक्वेस्ट सेंसर ट्रिपर के नीचे प्लेस होते हुए दिख जाएंगे बैजिंग के नीचे एंड आपको ना के बराबर एक बूट स्टोरेज देखने को मिल जाता है 82 लीटर्स का। अगर अपनी सीट्स को आप फोल्ड कर दे तो आपको काफ़ी अच्छी एक सफिशिएंट स्पेस देखने को मिल जाएगी, डिसेंट सी स्पेस ओवरऑल आपको देखने को मिलने वाली है। एंड सेंटर और सीट्स भी आपको स्प्लिट सीट्स देखने को मिलते हैं, सो आप उन्हें भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको बूट्स एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत हो तो। सो ये कुछ 82 लीटर्स की बूट स्टोरेज है, ना के बराबर आपको स्पेस देखने को मिल जाती है। आपके यहाँ स्टेपनी जैसे आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं।
सो ये कुछ रेनॉल्ट ट्राइबा की बूट स्टोरेज है, एक बार आप चेकआउट कर लें। सो अगर अंडर द हुड इंजन की बात करें तो कुछ इस तरह की आपको इंजन बे की प्रोफाइल देखने को मिलने वाली है। फिट एंड फर्निश आप अपने हिसाब से चेक कर ले, स्पेसिंग भी आप अपने हिसाब से एक बार चेकआउट कर ले। का मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी प्लेसिंग की गई इंजन की, काफ़ी स्पेस आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। साथ ही आपको बैटरी एंड फ्यूज़ की प्लेसिंग लेफ्ट साइड में होते हुए दिख जाएंगे। इंसुलेशन कार पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। पावर की बात करें तो आपको लगभग 1 लीटर की इंजन आपको देखने को मिल जाती है। 71 BHP की पावर आपको प्रोवाइड करती है एंड 96 Nm की आपको टॉर्क कार प्रोवाइड करती है। सो आपने स्क्रीन पे 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देख रहे हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में। साथ ही ये कुछ इंजन बे की प्रोफाइल है, एक बार आप चेकआउट कर ले। सो डैट वॉज दी ओवरलुक ऑफ द कार। आई होप यू गाइस फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर से करें। एंड अगर आपको किसी भी तरह के क्वेरीज होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी भी कार की अगर रिव्यू की जरूरत हो तो आप इसे नीचे मेंशन करें एंड आई ट्राई टू कवर इट एज सून एज पॉसिबल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ वरुण साइनिंग ऑफ।